वेलकम टू शिवान्या नर्सरी। दोस्तों आज मैं आपको बहुत बढ़िया ठंडी फर्टिलाइज़र बना के दिखाऊंगी, क्योंकि गर्मियों का मौसम शुरू हो चुका है और बहुत गर्म गर्म हवा भी अब चलने लगी है। तो इन पौधों को हमें इस गर्मी से, गर्म हवा से बचाना है। दोस्तों गर्म हवा से होता क्या है दोस्तों, कि जो पौधे की पत्तियाँ हैं वो बर्न होना शुरू हो जाती हैं, तो हमें इनके लिए ठंडक प्रदान करना है। अब ठंडक प्रदान करने के लिए पहला तरीका तो ये दोस्तों कि जो भी आपके पौधे बहुत ज़्यादा धूप में अगर रखे हुए हैं तो उनको शैमी शेड में शिफ्ट कर दिया जाए। दूसरा ये तरीका है दोस्तों कि इसको ऐसा फर्टिलाइज़र दिया जाए जो कि इसके लिए ठंडा ठंडा हो और इसमें काफ़ी मात्रा में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी अवेलेबल हों। तो आज मैं आपको ऐसे ही गर्मियों के लिए बहुत अच्छी ठंडी खाद बनाना यहाँ पर बताऊंगी, जो कि सभी प्रकार के पेड़ों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगी। दोस्तों आप फलों के पेड़ में भी इसका उपयोग कर सकते हैं, आम के पेड़ में, नींबू के पेड़ में, ये देखिए मेरा मौसम्बी का पेड़ है, यहाँ भी आप यूज़ कर सकते हैं। जो फूलों के पेड़ हैं वहाँ भी आप इसको उपयोग कर सकते हैं इस खाद का। तो सभी तरह के प्लांट में आप इस खाद का उपयोग करेंगे तो पूरी गर्मियों में आपका जो पौधा है बहुत ही ताज़ा और फ्रेश बना रहेगा, उसकी ग्रोथ जो है दोस्तों बहुत अच्छी होगी। तो देखिए इसको बनाना कैसे है वो मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ प्रोसेस। तो दोस्तों ये जो दो तरह के आपको ये दिख रहे हैं ये फ्रूट, ये तो वाटरमेलन का छिलका है दोस्तों, और ये जो है चुकंदर है। तो मैंने यहाँ पर आधा किलो चुकंदर लिया है और आधा किलो मैंने वाटरमेलन या तरबूज के छिलके लिए हुए हैं दोस्तों। तो इसको एक लीटर पानी में आपको मिक्सी में अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना, पीस लेना है दोस्तों, जैसा कि मैंने यहाँ ये किया हुआ है। इसके बाद हमें इसको जो ये 15 लीटर की बाल्टी आपकी दिख रही है, इस पानी में इसको हमें अच्छी तरीके से छान देना है दोस्तों, इस प्रकार से दोस्तों। तो एक बहुत बढ़िया कूल कूल हमें गर्मियों के लिए फर्टिलाइज़र बनके तैयार हो चुका है दोस्तों। इस फर्टिलाइज़र में दोस्तों इतने सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं कि सभी तरह के प्लांट्स के लिए बहुत बढ़िया काम करता है। इसमें दोस्तों होता है मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक, आयरन, बहुत सारे इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं दोस्तों। अब इसको आपको कैसे यूज़ करना है देखिए, इस प्रकार से दोस्तों हमें डालना है। इस प्रकार से दोस्तों पूरी गर्मी दोस्तों आप इसी फर्टिलाइज़र का उपयोग कीजिए तो आपके प्लांट जो हैं बर्न नहीं होंगे, उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी और इनकी रंगत जो है बहुत बढ़िया निखर के आएगी दोस्तों। तो सभी तरह के प्लांट्स में आपको इसका उपयोग करना है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों मेरा मौसम्बी का पेड़ है, तो इस मौसम्बी के पेड़ में भी मैं चारों तरफ इसको इस प्रकार से डालूंगी। तो ये जो फर्टिलाइज़र है दोस्तों, इसको आपको महीने में एक बार कम से कम इसका यूज़ आप ज़रूर करें अपने पौधों में। ये देखिए गर्मियों का लिली फ्लावर प्लांट है दोस्तों, इसमें भी आप डालिए। ये आम का पेड़ है जो ज़मीन में लगा हुआ है, इसमें भी आप इसको डालिए दोस्तों। और ये देखिए दोस्तों ये शो प्लांट है कैलेडियम, इसमें भी आप इसको डालिए। ये नींबू का पेड़ है, इसमें भी दोस्तों आपको डालना है। बस दोस्तों इस प्रकार से आपको इस लिक्विड खाद का यूज़ करना है गर्मियों में, आप इसका उपयोग कीजिए दोस्तों। ये बहुत अच्छा एक कूल कूल खाद है दोस्तों, और
इसका उपयोग करके आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट निकल के आएगा। जो भी रिजल्ट निकल के आए आप मुझे शेयर कीजिए। दोस्तों ये तो हुआ आज का वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। एक अगला वीडियो लेकर मैं फिर आपके सामने उपस्थित होंगी। तब तक के लिए हैप्पी गार्डन एंड हैप्पी डे।